बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानकारी चाहते हैं कि सर ये दवा किस लिए यूज की जाती है, हमें डॉक्टर ने लिखा है या हम इसको ले रहे हैं, इसके क्या फायदे हैं, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। तो बहुत से लोग हैं जो ये प्रश्न किया करते हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, आप देख सकते हैं, सभी को ये जानकारी मिलेगी। और कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं कि आप खा भी सकते हैं अगर आपको समस्या होती है, लेकिन ये मान के मत चलिए नहीं बस अब इसको लेना है और लेकर बस इस्तेमाल करना है। कोई भी अंग्रेजी दवा अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके आसपास जो नज़दीकी चिकित्सक हो उनसे आप संपर्क करिए, सलाह लीजिए, फिर उसका इस्तेमाल करिए, मैं साफ साफ कह देता हूँ। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छी टेबलेट के बारे में बताऊँगा जिसका प्रयोग मानसिक समस्याओं के लिए किया जाता है दोस्तों, और मैं बताऊंगा कैसी और किन किन मानसिक समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ये टेबलेट बहुत ही अच्छा काम करती है इन समस्याओं में जो मैं अभी बताने वाला हूँ दोस्तों। जिन लोगों को पैनिक अटैक आने की समस्या रहती है, जैसे उनको पैनिक अटैक आते रहते हैं या ऐसा लगता है कि मुझे इतनी तेज घबराहट होती है कि मुझे अटैक आ जाएगा, मुझे चक्कर आ जाएगा, मैं गिर जाऊंगा, इसके साथ साथ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अवसाद रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, जिन लोगों को अति अवसाद रहता है उनके लिए टेबलेट बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ जिन लोगों को ओसीडी की समस्या रहती है, जैसे बार बार हाथ धोना जैसी समस्याएं होती हैं, ओसीडी में यही लक्षण होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है टेबलेट। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा उदासी रहती है, चिंता रहती है, वहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करती है। तनाव रहता है, घबराहट हमेशा बनी रहती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों ये टेबलेट। इसके साथ साथ जिन लोगों को फोबिया की शिकायत रहती है, फोबिया में बहुत ही अच्छा काम करती है। मृत्यु का भय जिन लोगों को अक्सर सताता रहता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, ये मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, उसके बाद मैं मर जाऊंगा, मृत्यु का भय जिन लोगों को सताता रहता है, कभी कभी ऐसा लगेगा मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तो वहाँ पर ये टेबलेट बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन लोगों को जुनूनी बाध्यकारी विकार रहते हैं दोस्तों, जुनून सा सवार होता है, फिर वो जुनून बाध्य करता है आपको कुछ ऐसे काम करने के लिए जो नहीं करने चाहिए, जिनके करने से नुकसान होता है, तो वहाँ पर ये टेबलेट बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों। और जिन लोगों को पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर रहता है उन लोगों के लिए ये टेबलेट बहुत ही अच्छी मानी जाती है दोस्तों। इसका नाम है दोस्तों पाइरोक्सेटाइन हाइड्रोक्लोराइड कंट्रोलेड रिलीज टेबलेट। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों MCR 12.5। ऐसी टेबलेट्स में सिर्फ साल्ट देखा जाता है, नाम बहुत से नाम से टेबलेट आती है, जैसे इसका प्रियम सीआर 12.5 है तो इसका साल्ट देखा जाता है, जो ऊपर लिखा है ना पाइरोक्सेटाइन हाइड्रोक्लोराइड कंट्रोलेड रिलीज टेबलेट, तो ये मेन साल्ट है, ये साल्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसका ये पावर है, पोटेंसी जिसको कहते हैं, ये पावर है इसका 12.5 दोस्तों। इसके लेने का जो तरीका है, इसको रात में जब आप सोने के लिए जाते हैं, खाना खाने के बाद आप इसको एक टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टेबलेट इस्तेमाल की जाती है रात में, 24 घंटे में सिर्फ एक टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसको एक हफ्ते से लेकर डॉक्टर एक महीने तक खाने की सलाह देते हैं, आपको एक हफ्ते तक खिला सकते हैं या एक महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा इसका सेवन आपको करा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी टेबलेट है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन लोगों को डॉक्टर लिखते हैं तो बहुत सोच समझ कर लिखते हैं, बहुत ही अच्छी टेबलेट है दोस्तों, बहुत ही अच्छा काम करती है इन सारी समस्याओं में।